पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने भाजपा का विरोध करते हुए उनके उम्मीदवारों को हराने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि जाट आरक्षण को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि उनके कार्यकाल में जाट आरक्षण पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी आज आरक्षण लागू नहीं किया गया, जिसे लेकर लंबे समय से जाट आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन करती आ रही है और अब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। 36 बिरादरियों के साथ मिलकर भाजपा के उम्मीदवारों का बहिष्कार करते हुए जाट गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें जिताने का आह्वान करने के लिए निकले हैं। भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि मोदी जी ने जिस तरह से हमें 2015 में झूठ बोला आरक्षण देने के लिए, अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव 2017 से पहले झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जाट समाज को आरक्षण नहीं मिला, पूरे देश की हर जाति को जो आरक्षण है सिवाय जाट समाज के केंद्र के आरक्षण, इसलिए जाट समाज ने निर्णय लिया कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरावे इस चुनाव में उसके खिलाफ काम करे, उसके माफिक काम करे और बीजेपी को हराने का काम करे। और बीजेपी को हराने के लिए यहाँ महागठबंधन का कैंडिडेट मजबूत है और महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट करें और गांव-गांव जाकर इस काम का प्रचार प्रसार करें कि जो धोखा जाट समाज के साथ मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, जिस तरह से हरियाणा में जाट समाज के ऊपर अत्याचार किए गए, आज भी लोग जेल में बंद है, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और जाट और गैर जाट को लड़ाने का काम वहाँ की बीजेपी सरकार ने किया, तो उन सारी चीज़ों को खोल के अपने जाट समाज के साथ सभी वर्गों का साथ लेकर बीजेपी को हराने के लिए काम किया। 2014 में हमें आरक्षण मिल गया था, 17 मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े न होने के कारण वो कैंसिल कर दिया गया था। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने घर हम लोगों को बुला के और जो जाट सांसद और मंत्री थे उनको बुला के ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द मैं कानून बना के आरक्षण दूंगा और बीजेपी की जो सरकार जो केंद्र में आई है उसमें जाट समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उत्तर भारत में 132 राज्यों के 132 लोकसभा सीट पे जाट समाज है और 70 से 80 लोकसभा सीट पे वो किसी भी कैंडिडेट को अगर टैक्टिकल वोटिंग करता है हराने और जिताने की पोजीशन में रहता है। वो अभियान पूरे देश में चलाया हुआ जाट समाज की वजह से 70 से 80 लोकसभा सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम सिख और बिश्नोई जो जाट समाज है वो मिलकर इनके खिलाफ काम करेगा तो 25 लोकसभा सीट इनको हराई जा सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर, जाट समाज का वोट गठबंधन को क्यों कांग्रेस को भी तो जा सकता है सर? कांग्रेस केवल 2 सीट पे जीतने की स्थिति में है, एक सहारनपुर में इमरान मसूद टक्कर में है, एक राज बब्बर जी हैं। वहाँ पर राज बब्बर जी को भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं, इमरान मसूद को भी हमने समर्थन दिया था। अगर आपकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो क्या रणनीति रहेगी? ये रणनीति रहेगी, पहले से हराएंगे, अगली सरकार आएगी उससे मांग करेंगे, उस सरकार ने पहले भी आरक्षण दिया था और नहीं मांगे मानेंगे तो फिर आंदोलन का जो तरीका हो उसको शांतिपूर्वक तरीकों और कानूनी तरीकों। ये तो मोदी जी की और अमित शाह जी और पार्टी की कमियाँ हैं कि उसने हाँ कही और उसके बावजूद भी आरक्षण नहीं दिया, वादा किया, अपने घर बुला के वादा किया। से यही अपील है कि वो सभी वर्गों का साथ लेके दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको साथ लेके और एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए काम करें। हमारे जो संगठन के लोग आज यहाँ आए थे उन संगठन के लोगों से सबको कहा वे घर घर जाएं और जाट संदेश पत्र लेके जाएं और उनको बताएं कि वे किस तरह से बीजेपी ने हमारे साथ क्या धोखाधड़ी की है उसकी पोल खोलें। तो सर, ये मान के चले कि इस चुनाव में जाट समाज का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा? देखिए, जो 2-5% हैं बीजेपी के वर्कर्स हैं, पदों पे हैं, उनके घर वाले भी वोट नहीं डालेंगे, अधिकतर लोग नाराज हैं और जहां जाट कैंडिडेट भी है वहां भी लोग नाराज थे और वहां भी बड़ी संख्या में जाट समाज